अच्छा, आपकी गाड़ी में अगर पूरा पेपर कंप्लीट है तो कोई भी आपसे एक रुपया नहीं ले सकता। अच्छा। 8:30 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं हम लोग नारायणपुर, है ना। तो खाना तो यही नीचे में है ना, सब्जी भी इतनी बची हुई है तो डाल लेते। तो मैं तो खड़ा कर दूंगा गाड़ी को, बोलूंगा भाई भेजो बंदे को, तब मैं आऊंगा, नहीं तो मैं गाड़ी हिलाऊंगा भी नहीं। यहाँ का लोगों का नंबर ही नहीं दिया है, वो मैं कैसे कैसे करके यहाँ पे पता किया, उसके बाद में मेरे को नंबर पे क्या मिला, तब जाके बात हो रहा है। कहाँ कहाँ कोने में लोग ऑफिस रखे हुए हैं, नौकरी हो गई हमारी भी। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हुए थे अपना कोंडा गांव पार करने के बाद में टोल प्लाजा पड़ता है, ये देख सकते हो, तो यही पे अपनी गाड़ी रुकी हुई है। सर जी हमको रुकवाया है, तो सर जी क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से रुकवाते हैं गाड़ी को, जैसे चलान होलान होता है, चाहे 300 रुपए की जो रसीद काटते हैं, किस चीज का होता है ये जाता है। अच्छा, तो पहले आप होशियारी ना मारे, पहले चेक कर ले कि पुलिस वाला जो पैसा ले रहा है वो क्यों ले रहा है, काहे के लिए ले रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी मैं निकल चुका हूँ कोंडा गांव से, सीधा सीधा निकल चुका हूँ कोंडा गांव से। पहले ही कट मिलता है अपना नारायणपुर जाने के लिए, तो उस वाले रास्ते में मैं आ चुका हूँ, जो कि देख सकते हो डबल पॉइंट वाला रास्ता है और ख़राब भी है एक हिसाब से देखोगे तो, लेकिन चल रही है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोस्तों पहुँचते हैं, गाड़ी को भी खाली करते हैं, देखते हैं कितने तक गाड़ी खाली हो जाती है। अगर टाइम से गाड़ी खाली हो जाएगी तो लोडिंग भी मिल जाएगी हम लोगों को। तो मैं पीछे ही टोल प्लाजा के पास में रुक गया था, वहीं पे ही रात को करीबन 12 बज चुके थे, तो सो गया था वहीं पे, आराम कर रहा था, फिर उसके बाद में अभी सुबह निकला हूँ। पानी वगैरह तो कुछ इतना ज़्यादा गिरा नहीं है इस साइड में, ठीक है, नॉर्मल ही है। क्या है ना, इधर ओवरलोड में गाड़ियाँ चलती है, 30 टन 40 टन 50 टन वाली सब गाड़ियाँ चलती है, इसकी वजह से रोड को पूरी ऐसी की तैसी हो गई है। पहले ये रोड सही था लेकिन अभी थोड़ा ये ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। आने के समय बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आने के समय में ना खाली गाड़ी आऊँगा, और अभी जा रहा हूँ लोडिंग गाड़ी, तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन खाली गाड़ी में भाई साहब पता चलेगा पूरा। बना लिया है भाई साहब पानी गिरने वाला, जो कि कोई पता नहीं है कितना टाइम गिर जाए, ऐसा मौसम हो ही गया है। और पीछे रिमझिम गिर ही रहा था, लेकिन अभी आगे तो गिर नहीं रहा, बाकी पहुंचने वाले हैं, 10-15 किलोमीटर और बचा हुआ है, पॉइंट पर पहुंचते हैं, पानी बस मत गिरे वहां पर, जगह ठीक रहे तो खाली हो जाए गाड़ी, है ना, उसके बाद टाइम से निकल भी जाए हम लोग। इधर भी जंगल ही जंगल है, आर्मी वाले पूरा घूम रहे थे पता है सुबह सुबह। के 8:30 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं हम लोग नारायणपुर, यहीं आगे में हम लोगों जाना है, वहां पर होगी गाड़ी खाली, पेट्रोल टैंकी के पास में रुकने के लिए बोला है, कह रही मेरे ख्याल से सरकारी माल है तो कृषि केंद्र में होगा ये खाली, देखते हैं पेट्रोल टैंकी में पहले रुकते हैं, उसके बाद कॉल वगैरह करेंगे, फिर बोलेगा तो भाई देखते हैं कहाँ लगाना है क्या है, है ना। तो दोस्तों पहुंच तो चुके हैं भाई जगह पर, ठीक है, जगह पर नहीं पहुंचे पूरा, लेकिन यही बगल में ही खाली होगी बोल रहे हैं, तो अभी 10 बजे के बाद में खाली होगी बोल रहे हैं, तो मैं बोला भाई 10 बजे के बाद में खाली होगी तब जाएंगे पूछने के लिए, तो जब तक बरस वगैरह ही कर लेते हैं, बरस वगैरह करके जो हम लोग का रात का खाना भी बचा हुआ है तो वो नाश्ता भी हो जाएगा, है ना, तो नाश्ता वगैरह करके फिर उसके बाद में देखते हैं, अभी तो आधा एक घंटा समय हमारे पास ऐसे, तो मुंह कान धो लेते हैं बढ़िया फ्रेश हो जाते हैं। तो हो गया भाई मुंह कान धोना, अभी थोड़ा उठा लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि खाना तो यही नीचे में है ना, खाना हमारा नीचे में रखा हुआ है भाई साहब, ये देखो खाना यहाँ पड़ा हुआ है, इसको रखते हैं एक मिनट यहाँ पर,
तो खाना वही निकाल लेते हैं। देखो दोस्तों, चावल इतना बचा हुआ था, सब्जी भी इतनी बची हुई है, तो डाल लेते हैं। आ जाओ आप लोग भी भाई साहब खाने के लिए। खाना अब रात का खाना बचा हुआ है तो भाई वेस्ट क्यों करें, है ना, फेंकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देर रात मेहनत इसी के लिए कर रहे हैं हम। अंडा भुजी तली ना अभी, बढ़िया ठंडा हो गया है तो टेस्टीदार हो गई भाई साहब, मस्त टेस्ट आ गया। जैसे चिकन रात का पड़ा है तो सुबह खाने में मजा आता है ना, उसी तरह का इसको खाने में मजा आ रहा है। तो खाना पीना मेरा हो चुका है, बाकी अभी जाते हैं पता करके आते हैं गोडाउन खुला है कि नहीं खुला है, उसके बाद में गाड़ी भी खाली करवाते हैं, बर्तन वगैरह धो धा के साफ सुथरा मैंने रख दिया है, अब खाना बनाने का टाइम। अब तो अभी से खाना खा लिए भाई, 10 बज चुके हैं, अब दिन भर फुर्सत है मेरा, क्योंकि अब सीधा शाम को ही बनेगा खाना, उसके बीच में तो खाना बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, जाके पूछते हैं क्या हाल चाल है इधर। हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है दोस्तों, जो कि देख सकते हो पूरा मिट्टी वगैरह जम गया है, तो पूरा साफ करना पड़ेगा अभी। और पानी वगैरह गिर रहा है ना, इसकी वजह से पूरा छीटा वगैरह पूरा पड़ जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा कंडीशन बेकार हो गया है। तो चलते पता करते हैं, ये गली में जाना है हम लोगों को, तो जाना पड़ेगा दोस्तों फिर से पीछे, हम ये पेट्रोल टैंकी के पास में खड़े थे, लेकिन ये पेट्रोल टैंकी के सामने में खाली नहीं होगा, जिला सरकारी बैंक यहीं आसपास में होगा, देखना पड़ेगा भाई साहब। दोस्तों मेरे को यहीं पे रुकने के लिए बोला है कांग्रेस भवन के सामने में, ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आएगा वो लेबर आएगा कि कोई और आएगा, मुंशी वगैरह आएगा, उसके बाद में लेके जाएगा। बात ऐसी हो गई ना दोस्तों कि क्या कहते हैं ना, ये जो बिल दिया है मेरे को ना, इस बिल में ना यहाँ का लोगों का नंबर ही नहीं दिया है, वो मैं कैसे कैसे करके यहाँ पे पता किया, उसके बाद में मेरे को नंबर पे क्या मिला, तब जाके बात हो रहा है, कहाँ कहाँ कोने में लोग ऑफिस रखे हुए हैं समझ में आता नहीं है, तो वही खोजना पड़ जाता है। बाकी यहीं पे रुको बोला है तो यहीं पे मैं अभी रुकूंगा, फिर उसके बाद में वो लोग आएंगे तब लेके जाएंगे। दोस्तों 12:30 बज चुके हैं और ये पार्टी वाले लोग ना ऐसा घुमा रहे हैं, इधर से इधर घुमा रहे हैं बार बार, अभी वहाँ पे खड़ा था तो वहाँ पे खाली नहीं होगी, आपसी बुला लिए, फिर मेरे को आपसी उसी रास्ते में जाना पड़ रहा है। बोल रहा हूँ एक तो बंदा भेज दो मेरे साथ में जो मेरे को बता दे लोकेशन, तो नहीं बोल रहा है आओ मैं देख रहा हूँ। मैं बोला ठीक है भाई, इस बार नहीं, अगर आगे पीछे हो गया तो मैं तो खड़ा कर दूंगा गाड़ी को, बोलूँगा भाई भेजो बंदे को तब मैं आऊँगा, नहीं तो मैं गाड़ी हिलाऊँगा भी नहीं। हाँ ना यार, यहाँ पर बहुत सारा जगह है, मतलब इधर भी मुड़ना इधर मुड़ना, बता भी नहीं रहे ढंग से। बात ये है, पता रहता तो उसकी बात अलग है, पता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ पर है क्या है। इतना बोलने के बाद में अभी आया है भाई साहब, ये यहाँ पर खाली होगा बगल में बोल रहे हैं, देखो कहाँ पर करवाएगा, यहाँ पर होगा खाली। फाइनली दोस्तों गाड़ी अनलोडिंग पॉइंट में भाई लग चुकी है, देख सकते हो खाली होना चालू हो चुकी है अंदर में, और इतना ज़्यादा इन लोगों ने लोग टाइम कर दिए ना, पूछो मत, बहुत ज़्यादा टाइम कर दिए। करीबन 2 बज चुके हैं, दिन के 2 बज चुके हैं, अभी दूसरी जगह भी जाना खाली करने के लिए, पूरा आज का दिन ख़त्म। तो दोस्तों एक जगह से खाली करके अभी निकल चुका हूँ, हालांकि यहाँ पे कम पानी गिर रहा है लेकिन आगे उधर देखो ज्यादा गिर रहा है, उधर ज्यादा पानी गिर रहा है, यहाँ पर थोड़ा कम ही गिर रहा है, लेकिन दबाते हुए निकाल देंगे, क्योंकि माल मेरे गाड़ी में अभी भी लोड है ना, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कार्टून वाला भी माल है भरा हुआ है, बात यही है। चलते यहाँ से 20-22 किलोमीटर है बोल रहा है, पहुंचते हैं खाली करते हैं। जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से ही आ रहे थे, लेकिन बीच से हम लोगों को मुड़ना पड़ा क्योंकि ये जा रहा है जंगल एरिया में, इधर होगी हम लोगों की गाड़ी खाली, और पानी भी अभी बंद हो चुका है, और कार में आगे आगे जा रहा है भाई साहब वो लेके हमको, अब देखते हैं कहाँ तक लेके जाता है। करीबन 1 किलोमीटर तो अंदर आ ही चुका हूँ मैं, 1.5 किलोमीटर अंदर आ ही चुका हूँ, और कितनी अंदर लेके जा रहा है। खैर इसका भाड़ा अलग से जुड़ेगा, जो भी जितना किलोमीटर चलेगा किलोमीटर के हिसाब से ये भाड़ा मिल जाएगा, समझ रहे हो, बात वही है।
बाकी इधर पूरा जंगल वाला एरिया है, वो कार जा रही है ना, वही है भाई साहब पार्टी वाला, वही लेके जा रहा है हम लोगों को। देख रहे हो भाई लोग कहाँ कहाँ लेके जा रहा है हम लोगों को पूरा। ये यहाँ पर खाली होगा मेरे ख्याल से। जंगल है भैया पूरा जंगल। खाली होना तो भाई चालू हो चुकी है, बाकी पानी भी थोड़ा थोड़ा गिर ही रहा है। पूरा जंगल वाला एरिया है भाई साहब। ये देख रहे हो जी स्कूल कहाँ पर है, आंगनबाड़ी। ये आंगनबाड़ी जंगल में गांव है, छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नौकरी हो गई हमारी भी। तो दोस्तों अभी हम लोग रुके हुए थे अपना कोंडा गांव पार करने के बाद में, टोल प्लाजा पड़ता है ये देख सकते हो, तो यहीं पे अपनी गाड़ी रुकी हुई है। सर जी हमको रुकवाया, तो सर जी क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से रुकवाते गाड़ी को, जैसे चलान होलान होता है, चाहे 300 रुपये की जो रसीद काटते, किस चीज़ का होता है ये? पहली बात तो 300 रुपये की रसीद कटती नहीं है, उसे चलान बोलते हैं। चलान 300, 2000, 20000, 10000, 15000 का भी हो सकता है। अच्छा, चलान आपकी गाड़ी में जो कमी बेसिक है, अच्छा, उसके आधार पे काटा जाता है। वो पर्ची सरकारी पर्ची होती है। कुछ लोग आपस में ये लोग सोचते हैं कि पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात आपकी सही है कि कुछ लोग सोचते हैं कि 300 पैसा नहीं होता है, वो चलान होता है, सरकारी रसीद होती है, बकायदा उसको काट के हमको पैसा बैंक में जमा किया जाता है। अच्छा, तो पहले आप होशियारी ना मारे, पहले चेक कर ले कि पुलिस वाला जो पैसा ले रहा है वो क्यों ले रहा है, काहे के लिए ले रहा है। अच्छा, आपकी गाड़ी में अगर पूरा पेपर कम्प्लीट है तो कोई भी आपसे 1 रुपया नहीं ले सकता। अच्छा, आप लोग अपनी खामियां दिखाने के लिए कुछ कहने के लिए दे देते हैं, उसके बाद फिर पुलिस वालों को आप गाली बकते हैं। अच्छा, तो पहले आप समझे कि फाइन कर रहा है कि पैसा मांग रहा है। पैसा मांग रहा है मींस फाइन के लिए भी पैसा मांग सकता है। आप लोग लगता है पुलिस वाला पैसा मांग रहा है। भाई आप जब पैसा दे रहे हो तो उसको बोलो सर पर्ची दो, रसीद दो। वो रसीद नहीं दे रहा है तो गलत है, वो रसीद दे रहा है तो आपको भी समझना चाहिए। सर मेरा कहने का मतलब ये, जो छोटा छोटा जो टोकन देते हैं अपना, यही जगदलपुर से ये जो बीच बीच में कहीं कहीं मिलते हैं, जो टोकन नहीं देते हैं, तो पहली बात तो टोकन के बारे में मुझे पता नहीं। अगर जो आपको देते हैं तो ये चीज आप उसी समय करिए। अच्छा, नहीं तो उसी चीज का, मैं कोंडा गांव में हूँ। हाँ, जगदलपुर में क्या हो रहा है मैं क्या बताऊंगा। हाँ हाँ, नहीं उसी चीज का मेरा जानकारी लेना, जैसे वो टोकन देते तो वो टोकन अलग मैटर है। अच्छा, अभी ये है कि पर्ची आप जो कटती है, आप लोग बोलते हो कि पैसा ले रहे, जो पर्ची अगर आपको मिलती है सरकारी पर्ची होती है ना, तो पहले क्लियर करो कि पर्ची मिल रही कि नहीं मिल रही। आप बस आ गए मुंह खा के बोल दिए पुलिस वाले पैसा खा रहे, तो ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों वहां से तो निकल चुके हैं, बाकी आके आगे में रुके और खाना पीना भी हम लोगों का होटल में हो चुका है। आज खाना बनाने का मूड नहीं है, बाकी सब्जी ले लिया था मैं खाना बनाने के लिए, देख सकते हो बरबट्टी और आलू। खैर सुबह बनाएंगे क्योंकि मन नहीं लग रहा था इसके वजह से खाना पीना बनाने का। बट बात ऐसी हो गई वहां पर, मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या कहते हैं, मतलब रुकवाया, फिर उसके बाद मैं पूछा, वो टोकन अलग से काटते हैं एक ठो, और एक ठो क्या कहते हैं ये यातायात वाले हैं जो 300 रुपये हर महीने का काटते हैं। बात यही थी कि कहते हैं जैसे एक्स्ट्रा लाइट रहता है, और क्या नाम है इसका, हेडलाइट रहता है, और भी मतलब पार्किंग का जो बहुत सा नियम होगा उसके वजह से वो लोग पैसा काटते हैं, ठीक है, और पर्ची देते हैं। और बाकी जो वो टोकन वाला है ना, वो टोकन वाले के भी बारे में बात करूंगा, इस बात को छेड़ूंगा, ठीक है, और पूछूंगा उन लोगों से कि ये किस चीज का है। ये तो यातायात वाले एक बता दिए मेरे को, और जो केस काल में खड़े रहते हैं, कांकेर में खड़े रहते हैं, जो तो पहले 200 रुपये था अभी 300 रुपये हो गया है, तो उस चीज को मैं पूछूंगा और देखते हैं कब ये मौका मिलता है। जब भी मिले उसके बाद में पूछ पाछ के उसके बारे में भी वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब में, ठीक है। बाकी आप लोग भाई सपोर्ट करते रहो अपने अजय भाई को, बस यही चाहूंगा मैं। तो अभी मैं जाऊंगा, अभी यहाँ से केस का लोडिंग वगैरह होगा कल, लेकिन आज तो लोडिंग वगैरह होने वाला नहीं है, क्यों माल के लिए फोन लगाया था लेकिन उठाया नहीं पार्टी वाला, तो प्रॉब्लम हो गया यही और कुछ नहीं। तो बात यही है दोस्तों, ठीक है, बात ये वाली क्लियर हो गई है, क्योंकि एक्स्ट्रा वगैरह लाइट उट रहता है ना, उसके वजह से लोग ना क्या कहते हैं वो पर्ची काटते हैं, और चलान नहीं करता, चलान 2000 से चालू है बोलते हैं, 2000 से 15000 तक का, 20000 तक का चलान है, आप लोग खुद सुने वीडियो के माध्यम से, वो खुद बोले हैं कहके। तो ठीक है दोस्तों अभी यहाँ से चलते हैं, केस काल में रुकते हैं, फिर उसके बाद सुबह कल लोडिंग होगा, बाकी ब्लॉग को भी करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए सपोर्ट बनाए रखें, और जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय दोस्तों।